झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छठ पूजा घाटों में करने के आदेश के बाद हजारीबाग शहर में हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया गया। हजारीबाग के वार्ड नंबर 24 के वार्ड कमिश्नर दिलीप कुमार सावजी ने इसके लिए खुशी व्यक्त की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दिया और हजारीबाग के लोगों ने भी अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ को मनाया। हमारे पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लोग छठ पूजा छठ घाट पर कर सकते हैं। यहाँ छठ घाट पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ उमड़ चुकी है। कोरोना काल में आपको छठ पूजा मनाते हुए कैसा महसूस हो रहा है? कोरोना काल में छठ पूजा मनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोरोना तो बहुत दिन से चलते आ रहे हैं, लेकिन छठ पर्व हर साल आते हैं और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं और हम लोग बहुत मस्ती भी किए हैं। और हम चाहते हैं कि हम लोग मास्क यूज़ नहीं किए, लेकिन यहाँ पे उतना दिखने को भीड़ नहीं है। सिटी में कोरोना बहुत ज़्यादा है, विलेज में उतना नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत मज़ा आया है और हम उम्मीद करते हैं हम लोग का छठ अच्छा हो और आप लोग का भी छठ अच्छा बीता हो। और हम लोग का जो तालाब है वो क्लीन तो नहीं रहता है, सिर्फ छठ में ही क्लीन होता है। हम चाहते हैं जिस तरह हम अपना बॉडी रोज क्लीन करते हैं, अपना तालाब और छठ का जो तालाब होता है उसे भी रोज क्लीन करें और उसमें प्लास्टिक और पूजा का जो फालतू सामान ये वो होता है वो उसमें विसर्जित ना किया जाए, जिससे हम लोग का तालाब मंदिर मस्जिद क्लीन रहे। बस एक दिन क्लीन करने से नहीं होगा, रोज सोचे और रोज क्लीन करे तो इससे हम लोग का जो नदी है वो हमेशा स्वच्छ रहेगा। आज नदी में इतना कचरा देख के कोई डूबना नहीं चाह रहा, लेकिन हम ही लोग के करने का फल है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कचरा और पूजा का जो फालतू वेस्ट मटेरियल होता है वो ना डालें और कचरा दान में ही डालें। थैंक यू। कोरोना काल में आपको कैसा महसूस हो रहा है छठ पूजा मनाते हुए? बहुत अति उत्तम। और ये पर्व तो हम लोग का धार्मिक पर्व है और बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि ये पर्व हम लोग ये कोरोना काल में किए, अति उत्तम पर्व है, इसलिए बहुत खुशी महसूस हुआ, अच्छा लगा। आस्था का पर्व अति उत्तम उपाय, विश्व शांति के लिए सब निरोग रहे, इसके लिए ये पूजा को संपन्न किया गया। जैसा कि बताया जा रहा है कोरोना काल में भी छठ पूजा हर्षोल्लास से साथ संपन्न किया गया। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।